इस एनीमे की शुरुआत में अपने हीरो हिकारी सुत्सुई को भागते हुए देखते हैं, जो कि स्कूल के लिए लेट हो गया। और ये 3 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि वो लेट हो गया। जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि एक लड़की जिसका नाम हीरो है अगराशी है, वो भी उसके साथ लेट हो गई थी। और फिर टीचर लेट होने की वजह से उन्हें एक पनिशमेंट देता है, और पनिशमेंट के तौर पर उन्हें स्विमिंग पूल साफ करना होगा। सुत्सुई फिर हीरो अगराशी के बारे में सोच रहा होता है कि वो बहुत अजीब लड़की है और वो सबसे अलग रहती है और दूसरी लड़कियां उसके साथ नहीं रहती हैं, और मन ही मन सोचता है कि उसे इस लड़की के साथ पूल साफ करना पड़ेगा। कितनी शर्म की बात होगी है उसके लिए। लेकिन तब इरोहा इगराशी उसके बाल को देखकर उसे ग्रॉस कह के बुलाती है और सुत्सुई को हैरान करके चली जाती है। बाद में स्कूल चालू होता है, सुत्सुई उसी के बारे में सोचते ही उस लड़की ने उसे ग्रॉस बोला। यूटो इटो सुत्सुई का फ्रेंड है जो कि उसके पास आता और उससे बात करने लगता है। बाद में जब सुत्सुई अपनी पनिशमेंट के मुताबिक पूल साफ करने जाता है तो उसे लगता है कि इगराशी वहाँ नहीं आएगी, लेकिन वो तो उससे पहले वहाँ आ चुकी थी और उसने आधा पूल साफ कर दिया। इगराशी सुत्सुई को वाइपर देखकर पूल साफ करने को कहती है, लेकिन एकदम से वो दोनों पूल में गिर जाते हैं और सुत्सुई सोच में पड़ के पूल में तैरने लगता है। वो दोनों पूल से बाहर आते हैं और इगराशी अपने कपड़े सुखा रही होती है और एकदम से फिर वो अपनी शर्ट उतार देती है, जिससे सुत्सुई हैरान हो जाता है और उसे रिडिकुलस कह के बुलाने लगता है। लेकिन इगराशी उसे वर्जिन कह के वहाँ बुलाती है, जो इतनी सी बात पर हैरान हो गया। सुत्सुई गुस्से से और हैरान होकर उसे पूछता है कि उसे ये कैसे पता लगा ये वर्जिन है, और उसे हरी खोटी सुनाता है, जिसके बाद इगराशी उसे सॉरी बोलती है। इगराशी कहती है कि उसे किसी लड़की से प्यार करना चाहिए, तभी उसकी सिचुएशन सुधरेगी। लेकिन सुत्सुई नहीं मानता, इगराशी वहाँ से जाने लगती है क्योंकि उसे अपने कपड़े सुखाने हैं, और जाते जाते भी उसकी बेइज्जती कर देती है। सीन आगे बढ़ता है और बाद में सुत्सुई अपने दोस्त यूटो इटो के साथ कैफे में बैठकर कुछ गेम्स खेल रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे से 3D गर्ल्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं, लेकिन यूटो इटो कहता है कि उसे वर्चुअल गर्ल ज़्यादा पसंद है। तभी दो लड़कियां वहां आती और मीका नाम की लड़की सुत्सुई से कहती कि बहुत टाइम हो गया उन्हें मिले और अभी वो लोग मैजिकल गर्ल्स की बात कर रहे हैं क्या। मीका की फ्रेंड उसे पूछती कि क्या वो उन्हें जानती है, तो मीका बताती कि उसका नाम सुत्सुई है और वो उसका क्लासमेट था जो हमेशा मांगा ही पढ़ता रहता था और अजीब से लड़कियों की पिक्चर भी बनाता था। वो सुत्सुई के फ्रेंड का भी मजाक उड़ाती है। ये सब सुन के वो दोनों दोस्त बहुत उदास हो रहे थे, और एकदम से सुत्सुई खड़ा होता है और मीका को चुप रहने को कहता है, क्योंकि यूटो इटो उसका दोस्त है और वो उसका मजाक बनते नहीं देख सकता। तभी इरोहा इगराशी वहाँ आ जाती है और कहते कि मैं लेट हो गई, चलो साथ में मिलकर खाना खाते हैं। इरोहा इगराशी आके उन दोनों लड़कियों का मजाक उड़ाती है और उन्हें कहीं और जाने को कहती है, और वो दो लड़कियां वहां से भाग जाती हैं। सुत्सुई देख के खुश हो जाता है और इगराशी की तारीफ करता है कि वो बहुत अच्छी बातें करती है। सुत्सुई इगराशी से पूछता है कि संडे को वो वहां क्या कर रही है, तो वो बताती कि उसके कोई फ्रेंड्स नहीं है और वो वहां खाना खाने आई है। और बाद में वो दोनों बातें करने लगते हैं और अपनी अपनी पहचान बढ़ाते हैं। जब इगराशी वहां से चली जाती है तो सुत्सुई का दोस्त यूटो इटो कहता है कि उसे नहीं पता था कि 3D गर्ल्स इतनी अच्छी भी होती हैं। सुत्सुई कहता है कि ज्यादा मत सोचो, वो तुम्हारे पहुंच से बाहर है। अगले दिन जब स्कूल शुरू होता है तो सुत्सुई स्कूल आके इगराशी के पीछे चल रहा होता है, और तब इगराशी पीछे मुड़ के देखते और उसे हाय कहती है। टाइम आगे बढ़ता है और इगराशी स्कूल के कोने में किसी को किस कर रही होती है, और तभी एक दूसरा लड़का वहाँ आ जाता है और उसे इगराशी का हाथ पकड़ लेता है, तो किस करने वाला लड़का वहाँ से भाग जाता है। तब वो लड़का इगराशी का हाथ पकड़ के ले जा रहा होता है, सुत्सुई भाग के वहाँ आता है और उस लड़के के हाथ में डंडा मारता है। इगराशी सुत्सुई को सावधान करते हुए कहते कि वो एक कनाटे प्लेयर है और उससे पंगा लेना मुश्किल होगा, और वो लड़का सुत्सुई के मुंह पर किक मारता है और सुत्सुई दूर जाके गिरता है। लेकिन सुत्सुई हार मानने का नाम नहीं ले रहा है और वो उस लड़के के पैर पकड़ लेता है और वो दोबारा लड़का किक मार देता है। तब सुत्सुई को फ्लैशबैक्स आने लगते हैं और वो दोबारा उठ के उस लड़के पर हमला करता है। बाद में हम देखते कि सुत्सुई जमीन पर बेहोश पड़ा है और इगराशी उसके पास बैठी, और जब वो आंखें खोलता है तो इगराशी उसका हाथ पकड़ के उसे किस कर लेती है। लेकिन सुत्सुई कहता है कि वो खुद नर्स के पास चला जाएगा, और वो इगराशी को वहां से जाने को कहता है। अगले दिन क्लास में यूटो इटो सुत्सुई की चोट के बारे में पूछता है और वो बताता है कि किसी ने उसे पंच किया। तब इगराशी वहां आती है और उससे उसके साथ कहीं बाहर चलने को कहती है, लेकिन स्केप्टिकल होकर सुत्सुई उसे साफ मना कर देता है क्योंकि उसे किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, और इगराशी वहां से चली जाती है। अगले दिन जनरल हॉस्पिटल के बाहर सुत्सुई खड़ा फोन पर मैसेज पढ़ रहा होता है
और तभी वो इगराशी को हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर बैठे रोते हुए देखता है। इगराशी उठकर जाने लगती है और सुत्सुई उसका पीछा करता है। वो जहाँ भी जाती है सुत्सुई उसके पीछे जाता है। आखिर में इगराशी एक बुक स्टोर में जाके बुक पढ़ रही होती है और सुत्सुई भी वहाँ आ जाता है। तभी बुक स्टोर ओनर को कुछ गलतफहमी होती है और उसे लगता है कि इगराशी ने उसकी शॉप से बुक चुराई है और उसे बैग खाली करने को कहती है। और इगराशी जब बैग खाली करते तो उसे कुछ नहीं मिलता है। इगराशी अपनी शर्ट हटाने वाली होती है और उससे पहले कि आगे वो कुछ करती, सुत्सुई बीच में आ जाता है और शॉप ओनर को कहता है कि उसने बुक नहीं चुराई क्योंकि वो हर टाइम पर उसके साथ थी और उसने उस पर नजर बनाए हुआ था, इसलिए उससे पता है। बारिश शुरू हो जाती है और वो दोनों बाहर खड़े होकर बातें करते हैं। तो सुत्सुई इगराशी से पूछता कि वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े होकर क्यों रो रही थी। उसके बाद सुत्सुई इगराशी को अपना अम्ब्रेला दे देता है और उसे जाने को कहता है। और इगराशी कहती कि जब सुत्सुई ने उसे इस लड़के से बचाया था तो वो रोने लग गई थी और उसे अच्छा लगा था और वो उसके बाद चली जाती है। बारिश की वजह से सुत्सुई बीमार पड़ गया और उसकी मॉम उसे छुट्टी लेने को कहती है, लेकिन सुत्सुई कहता है कि अगर उसने छुट्टी की तो उसकी अटेंडेंस खराब हो जाएगी और वो स्कूल आ जाता है, जहां वो देखता है कि इगराशी भी लेट हो गई है। और जब वो उससे लेट होने का कारण पूछता तो वो बताते कि उसने देख लिया था कि सुत्सुई लेट हो गया है और उसके लिए वो जानबूझ के लेट आई। तब वो उसके कोल्ड के बारे में पूछते उसका मास्क हटाने को कहती है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से वो बीमार पड़ा है, इसलिए वो किस करके उसकी बीमारी को ले लेना चाहती है। ये मोमेंट सुत्सुई के लिए बहुत ही अलग था, इसलिए वो नीचे बैठ जाता है। ईटो वहाँ आता है सुत्सुई से उसकी हालत के बारे में पूछता है। बाद में हम देखते कि वो भागते हुए स्विमिंग पूल की तरफ जाता है जहाँ इगराशी पूल साफ कर रही है और सुत्सुई वहाँ आके इगराशी को बाहर चलने को कहता है। और जब इगराशी सुनती है तो वो अपने हाथ फैला देती है और वो दोनों गले लग जाते हैं। इगराशी सुत्सुई को बताते कि 6 मंथ्स बाद वो स्कूल चेंज कर रही है क्योंकि उसके फादर की जॉब चेंज होने वाली है, जिसे सुन के सुत्सुई बहुत सैड नजर आता है। तो उसके बाद क्लास में बैठ के सोच रहा होता है कि अगर इगराशी सिर्फ 6 महीनों तक ही स्कूल में है तो उनका रिलेशनशिप कैसे चलेगा। और ईटो तो वहाँ आकर सुत्सुई को कंग्रेचुलेशन कर ही रहा होता है, तभी इगराशी वहाँ आती है और सुत्सुई को घर साथ चलने को कहती है। वो दोनों जब साथ में स्कूल हॉल से गुजर रहे होते हैं तो कुछ बच्चे सुत्सुई का मजाक बना रहे होते हैं, जिसकी वजह से इगराशी को गुस्सा आ जाता है और वो उनसे बहस करने लगती है। लेकिन तब सुत्सुई उसे वहां से लेके भाग जाता है और उसे कहता है कि लोग उसे ग्लूमी कहते हैं तो ठीक है, लेकिन उसे लोगों की अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन इगराशी को पसंद नहीं कि कोई उसे बिना जाने उसके बारे में गलत बोले। वो दोनों मिलके घर जा रहे होते हैं और इगराशी सुत्सुई से उसके संडे के प्लान्स के बारे में पूछती है, लेकिन सुत्सुई तो संडे को पूरे दिन गेम्स खेलने वाला है जो इगराशी को बहुत बोरिंग लगता है। संडे वाले दिन सुत्सुई गेम्स लेके स्टोर से बाहर निकलता है और तभी एकदम से इगराशी उसे दिखती है जो एक लड़की के साथ मार्केट आई हुई है। सुत्सुई बहुत सैड हो जाता है और घर जाकर गेम्स खेलते हुए सोचने लगता है कि शायद उसे धोखा मिला है। तभी कोई खिड़की पर पत्थर मारता है और जब वो नीचे देखता है तो उसे इगराशी नीचे खड़ी होती मिलती है जो कि उससे मिलने आई है। वो दोनों फिर पार्क में साथ में बैठे होते हैं और सुत्सुई कहता है कि वो कल भी स्कूल में मिल सकते थे, लेकिन इगराशी का कहना है कि अगर वो सिर्फ स्कूल में मिलते हैं तो उसे डेटिंग नहीं कह सकते हैं। तभी सुत्सुई को सुबह की बात याद आती है और वो कहता है कि उसने सोचा था कि इगराशी रिलेशनशिप के लिए सीरियस है, लेकिन वो बिल्कुल सीरियस नहीं लगती और ये सब उसने इसलिए कहा क्योंकि उसने उसे सुबह किसी लड़की के साथ देखा था। तभी इगराशी उठती है और उसे अपने घर लेकर आती है और घर आकर वो कहती है कि वो उसे दिखाना चाहती है कि वो दोनों सीरियस रिलेशनशिप में है। और तब वो बेड पर बैठ जाती है और उसे कहती है कि वो उसका फर्स्ट टाइम है। सुत्सुई को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है और तभी इगराशी अपने कपड़े उतारना शुरू करती है। सुत्सुई इसे रोकने की कोशिश करता है और उसके ऊपर गिर जाता है और वो कहता है कि ये सब उन्हें तभी करना चाहिए जब वो एक दूसरे को अच्छे से जान जाएं, क्योंकि उसने मांगा में ये सब देखा था। लेकिन इगराशी कहती है कि मांगा और रियल लाइफ में फर्क होता है, लेकिन तभी उसका मन बदल जाता है और वो वहाँ से भाग उठता है। अगले दिन हम देखते कि सुत्सुई हॉस्पिटल दवाई लेने आया है और वो वहाँ पर उस लड़के को देखता है जो उस दिन इगराशी के साथ था और वो उस हॉस्पिटल का डॉक्टर है। सुत्सुई फिर उस डॉक्टर को रोकता है और उससे पूछता है कि क्या वो इगराशी को जानता है। वो दोनों बेंच पर बैठ के बातें करते हैं और डॉक्टर सुत्सुई से उसके और इगराशी के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है। सुत्सुई बताता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो श्योर नहीं है क्योंकि उसे लगता है कि इगराशी उसे धोखा दे रही है। सुत्सुई ने डॉक्टर और इगराशी को साथ देखा था, इसलिए वो उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर और इगराशी के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है
और तब सुत्सुई गुस्से में खड़ा होता डॉक्टर से इगराशी का ध्यान रखने को कहता है, जिसे सुनकर डॉक्टर उसे वीक कहता है क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक सुत्सुई को उसका बॉयफ्रेंड होने के नाते उसका ध्यान रखना चाहिए। ये सुनके सुत्सुई वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुत्सुई और इगराशी छत पर बातें कर रहे हैं। इगराशी गुस्सा है क्योंकि उसने उसे अकेला छोड़ दिया था। सुत्सुई उसे कहता है कि वो उसे बाद में सॉरी बोलेगा। इगराशी कहती कि हाँ वो उसका बॉयफ्रेंड है और वो वर्जिन भी नहीं है, उसने झूठ बोला था। लेकिन जब सुत्सुई सैड हो जाता तो वो दोबारा कहती कि वो झूठ बोल रही है और असल में उसे एक बीमारी है और डॉक्टर उसका फैमिली डॉक्टर है। रात को सुत्सुई मांगा देखते हुए सो जाता है। अगले दिन जब वो स्कूल आता तो इगराशी से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो उसका साथ रहेगा। ये सब उसने उस मांगा कार्टून से सीखा था, जिसे सुनकर इगराशी कहती कि वो पागल वाली हरकतें क्यों कर रहा है, वो तो सिर्फ झूठ बोल रही थी। तब इगराशी को लगता है कि सुत्सुई उसकी कितनी केयर करता है, इसलिए वो उसके गले लग जाती है। सुत्सुई उस डॉक्टर से भी मिलने जाता और उसे उसके बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। तब डॉक्टर बताता है कि उसने इगराशी की मेडिकल रिपोर्ट्स देखी थी और उसका बर्थडे अगले हफ्ते है, लेकिन सुत्सुई को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। डॉक्टर उसे इगराशी के साथ बर्थडे सेलिब्रेशन करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। सुत्सुई को नहीं पता है कि उसको क्या गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए वो इगराशी से पूछता है कि उसे क्या पसंद है, क्या उसे स्वीट्स पसंद है या नहीं। उसे स्वीट्स पसंद है लेकिन आइसक्रीम पसंद नहीं है। तब इगराशी कहती कि वो सुत्सुई के साथ उसके घर जाना चाहती है। और जब वो दोनों घर पहुंचते तो सुत्सुई की मॉम उन दोनों को देख के हैरान हो जाती है और इगराशी के बारे में पूछती है। इगराशी सीधे बोल देती कि वो दोनों डेट कर रहे हैं और फिर वो दोनों सुत्सुई के रूम में जाने लगते हैं। इसे देखकर सुत्सुई की मॉम भी खुश हो जाती है और इगराशी को सुत्सुई का ध्यान रखने को कहती है। इगराशी को सुत्सुई का रूम बहुत पसंद आता है और वो कहती है कि उसे सुत्सुई की ये बात बहुत पसंद है कि जो वो है वही दुनिया के सामने दिखाता है। तब वो उसे इनाम दिखाने को कहती है जो उसे बहुत पसंद है और वो दोनों साथ में बैठ के इनाम देखते हैं। इगराशी को इनाम बहुत पसंद आता है तो सुत्सुई को लगता है कि सिर्फ इगराशी ही ऐसी है जो उसे समझ सकती है, क्योंकि किसी ने भी उसे आज तक नहीं समझा। सुत्सुई को लगता है कि इगराशी एक ओपन माइंडेड लड़की है, तो वो इगराशी के हाथ को पकड़ लेता और इगराशी इसके पास आके बैठ जाती है। पहले तो सुत्सुई इगराशी को पीछे हटने को कहता है, लेकिन सुत्सुई और इगराशी इतने पास आ गए थे कि वो दोनों किस करने वाले होते हैं। और ये क्या, तभी सुत्सुई की मॉम केक लेके रूम में घुस जाती है और उन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। अगले दिन स्कूल में सुत्सुई यूटो इटो को बताता कि इगराशी का बर्थडे है और उन्हें कुछ गिफ्ट प्रिपेयर करना होगा, और वो दोनों क्ले से बनी डॉल बनाने का फैसला करते हैं। वो दोनों यूटो इटो के घर जाते हैं और सुत्सुई गेम से सीखी हुई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ लगाता डॉल बनाना शुरू करता है। वो इतना काम करता है कि अगले दिन उसका मुंह काला पड़ गया था। जब इगराशी इसके बारे में पूछते तो बताता है कि गेम्स खेलने के लिए वो सोया ही नहीं। आखिरकार उन दोनों ने फाइनली इगराशी का गिफ्ट तैयार कर ही लिया और सुत्सुई की मॉम उसे दो अम्यूजमेंट पार्क की टिकट्स दे देती है ताकि इगराशी को ले जा सके। जब वो इगराशी को स्कूल के बाद अम्यूजमेंट पार्क चलने को कहता है तो वो उसे अभी चलने को कहती है और वो दोनों अम्यूजमेंट पार्क आ जाते हैं। सुत्सुई कभी भी अम्यूजमेंट पार्क नहीं आया था, इसलिए उसे वहाँ की रौनक धनक देखने के बाद हैरानी होती है और इगराशी उसके लिए आइसक्रीम भी लाई है। सुत्सुई मजाक में कहता है कि उसे पता नहीं था कि अम्यूजमेंट पार्क ऐसा होता है। इसे सुनके इगराशी मजाक में उसे वियर्ड कहती है। बाद में वो दोनों झूले झूलते और खूब मजे करते हैं और सारे झूले झूलने के बाद सुत्सुई थक के बेंच पर लेट जाता है और उसे उल्टी आ रही है। इगराशी उसके लिए जूस लाती है और उसे फिर पार्क के सबसे अच्छे झूले में चलने को कहती है। वो दोनों फिर जाइंट व्हील पर बैठे होते हैं और सुत्सुई इगराशी को उसका बर्थडे गिफ्ट देता है जो कि उसके जैसे दिखने वाली डॉल है। ये देख के इगराशी बहुत खुश हो जाती है और कहते कि ये मोमेंट वो कभी नहीं भूल सकती। तब सुत्सुई कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और जब वो उसके साथ होता है तो चीजें आसान से होने लगती हैं। और ये सुन के इगराशी उसके पास आती है, दोनों किस करते हैं। फिर हम देखते हैं कि इगराशी और सुत्सुई साथ में बैठे हैं और इगराशी कहते कि वो डेट कर रहे हैं, इसलिए वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। इतने में उसकी इमेजिनरी मांगा गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है और कहते कि आज तक तुम मुझे अपनी वाइफ कहते आए हो और आज तुम अब इगराशी के साथ हो। फिर उसका दोस्त यूटो इटो भी आ जाता है, लेकिन ये सब तो सुत्सुई का सपना था और वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि इगराशी भी वहाँ नीचे लेटी हुई है और वो उसकी स्कर्ट की पिक्चर लेने की सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। इगराशी फिर उठकर वहाँ पे चली जाती है। स्कूल टाइम के दौरान सुत्सुई का दोस्त इटो इटो उससे पूछता है कि उसका चेहरा उतरा हुआ लग रहा है और वो जानना चाहता है कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन सुत्सुई ठीक है और फिर यूटो इटो से गेम्स लेने के लिए साथ चलने को कहता है। लेकिन सुत्सुई को इगराशी के साथ जाना है, इसलिए यूटो इटो को अकेले ही गेम लेने जाना पड़ेगा।
उसकी वजह से यूटो इटो थोड़ा निराश दिखाई पड़ता है और सुत्सुई उसे निराश नहीं देख सकता क्योंकि वो उसका दोस्त है, इसलिए वो उसे रोकता है और उसके साथ चलने को कहता है। वो इगराशी को बोल देता है कि आज वो यूटो इटो के साथ घर जाएगा और वो मान जाती है। बाद में वो दोनों दोस्त बहुत टाइम बाद साथ बैठ के बर्गर खा रहे होते हैं और यूटो इटो बहुत खुश नजर आता है। यूटो इटो से कहता है कि वो जितना चाहे अपनी लव लाइफ के बारे में बात कर सकता है, लेकिन सुत्सु यूटो से कहता है कि अगर वो ऐसा करे तो वो उसके मुंह पे पंच मार दे क्योंकि उसके लिए एकदम से चेंज होना और हैप्पी होना डरावना है और वो एक ऐसा लड़का है जिसे लड़कियों ने आज तक ढंग से पूछा भी नहीं और वो लड़कियों से ढंग से बात भी नहीं कर पाता था, क्या इतना हैप्पी होना उसके लिए ठीक है? और उनकी वार्तालाप चलती रहती है। बाद में सारे बच्चे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आते हैं और इगराशी वहाँ आके सुत्सुई को हाय बोलती है, लेकिन इस बार सुत्सुई उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और पीछे नहीं देखता है। तभी एक लड़की जिसका नाम इशिनो है भागते हुए केले के छिलके से फिसल जाती है और उसे उठाने के लिए सुत्सुई अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो सुत्सुई की शक्ल देख के उसका हाथ चिटक के वहाँ से चली जाती है क्योंकि इगराशी के अलावा बाकी लड़कियाँ सुत्सुई को पसंद नहीं करती हैं। बाद में सुत्सुई क्लास में बैठ के इगराशी के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगता है और ऐसा लग रहा है कि वो उसके प्यार में पागल हो रहा है। और तभी इगराशी वहाँ आती है और उसे साथ में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर चलने को कहती है, लेकिन जब सुत्सुई मना करता है तो इगराशी को लगता है कि शायद उसे फीवर है, इसलिए वो उसके सर पर हाथ रखती है और वो उसका हाथ चिटक देता है जिससे इगराशी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इशिनो जब सुत्सुई को अपने घुटनों पर हाथ रखे हुए देखती तो वो उससे पूछती कि क्या वो सुसाइड करने वाला है क्योंकि वो बहुत दुखी लग रहा था। और जब वो वहाँ से जाने लगती तो सुत्सुई उससे पूछता कि क्या उसे कभी प्यार हुआ है। इशिनो हैरान हो जाती है क्योंकि सुत्सुई ने उससे कभी बात भी नहीं की और आज अचानक वो उसकी लव लाइफ के बारे में पूछ रहा है। इशिनो के रीजन पूछने पर वो बताता है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है इसलिए उसने उससे पूछा, जिसके बाद इशिनो बता देती है कि एक लड़का जिससे वो लाइक करती है। और फिर सुत्सुई उससे और ज़्यादा रिलेशनशिप की डिटेल लेने लगता है क्योंकि वो जानना चाहता था कि प्यार में पड़ने पर कैसा लगता है। तो फिर इशिनो उससे सब कुछ बता देती है और सुत्सुई उसे थैंक यू बोलता है। बाद में जब सुत्सुई इगराशी से मिलने जाता है तो वो उसे वहाँ से जाने को कहती है क्योंकि उसकी स्टूडेंट काउंसिल मीटिंग है। शाम के टाइम सुत्सुई क्लास में अकेला निराश बैठा हुआ होता है और इशिनो दोबारा उसे देख लेती है और उससे पूछती कि क्या तुम उस क्लास सी वाली लड़की के साथ बाहर जाते हो, तुम दोनों का क्या चल रहा है? लेकिन सुत्सुई कहता कि शायद उसने उसे खो दिया है। और तब इशिनो कहती कि उसे अपने बाल कटवाने चाहिए और वो उसके बाल काटने के लिए उसे चेयर पर बिठा देती है। उसके बाल काटने ही वाली होती है तो इगराशी वहाँ आ जाती है और उससे कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और उसे हाथ लगाने से मना करती है। इशिनो के मुताबिक इगराशी अपने बॉयफ्रेंड को चाहे कितना भी कूल क्यों ना समझे वो उसे कभी उस तरीके से हाथ नहीं लगाएगी। लेकिन इसके जवाब में इगराशी कहती है कि अगर उसे पता होता कि सुत्सुई अंदर से कैसा है तो वो भी उसे लाइक करती और वो सुत्सुई को किसी को भी उसको हाथ लगाने से मना करती है। ये सुन के इशिनो वहाँ से चली जाती है और वो दोनों फिर क्लास में एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। इगराशी उसे ऐसा बिहेव करने के लिए सॉरी बोलती है क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता कि कोई उसे हाथ लगाए, लेकिन सुत्सुई उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो भी अजीब बिहेव कर रहा था और वो दोनों गले लगते हैं। घर आने के बाद सुत्सुई की मदर उसे उसके रिलेशनशिप के बारे में जानकारी लेती है और उनके रिलेशनशिप में इंटरेस्ट दिखाती है। सुबह स्कूल में सुत्सुई हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा है और इशिनो उसके कान में तेजी से चिल्लाती है जिससे वो डर जाता है। और जब वो उससे बात कर रहा होता है तो इशिनो कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। ऐसा लगता है कि सुत्सुई अपने प्यार का इजहार इगराशी से करना चाहता है, लेकिन उसे एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ 2D गर्ल्स के साथ ही प्यार का इजहार किया है और इगराशी एक 3D गर्ल है। घर जाते टाइम इगराशी बताती कि उसे TV पर एक शो देखना है जिसका नाम पैट्सी से प्रिंस है और इगराशी को ऐसे लड़के पसंद है जो कुकिंग करते हैं। ये सुनते ही सुत्सुई घर आके कुकिंग करना शुरू करता है और स्कूल में सबके लिए टेस्टी कुकीज बना के लाता है जो सबको बहुत पसंद आती हैं। इशिनो फिर उन्हें ज्वाइन कर लेती है और वो सारे मिलके कुकीज खाने लगते हैं। जब इशिनो इगराशी से पूछती कि वो दोस्त क्यों नहीं बनाती तो इगराशी बताती कि क्या उसने उसके बारे में नहीं सुना है, वो लोगों के बॉयफ्रेंड्स चुराती है और उनके साथ सोती है। लेकिन इशिनो को पता है कि वो सिर्फ एक र्यूमर है। और जब सुत्सुई इशिनो से उस लड़के के बारे में पूछता है जिसको इशिनो लाइक करती है तो वो बताती है कि बात धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और वो खुश दिखाई देती है, उसे वो बहुत कूल लगता है। बाद में वो सब घर जाते हैं और इगराशी सुत्सुई से कहती है कि वो बहुत खुश है कि वो उसके लिए कुकीज़ बना के लाया। घर आकर सुत्सुई गेम खेल रहा होता है और वो दुखी भी है क्योंकि 6 मंथ बाद इगराशी वहाँ से चली जाएगी तो उसका क्या होगा।
वो आज दोबारा से कुकिंग करता है और बहुत अच्छा केक बना के स्कूल में लाता है। जब वो केक खा ही रहे होते हैं तो इशिनो का बॉयफ्रेंड क्लास में आके उससे कुछ पैसे मांगने लगता है, जो सुत्सुई को बहुत अजीब भी लगता है। छुट्टी के बाद इशिनो और उसका बॉयफ्रेंड मार्केट में इगाराशी से मिलते हैं और इशिनो और इगाराशी रुक के बात करने लगते हैं, लेकिन इगाराशी कहती है वो दोनों दोस्त नहीं है और ये कह के वहाँ से चली जाती है। इगाराशी, यूटो इट और सुत्सुई स्कूल में इशिनो के बॉयफ्रेंड को उसके बारे में बुरा भला बोलते हुए सुन लेते हैं और इशिनो भी वहाँ आ जाती है। वो बहुत दुखी होती है तो इगाराशी उसे समझाती है कि लोग हमारे बारे में कुछ भी बोल सकते हैं लेकिन उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन फिर तभी इगाराशी जाती है और उस लड़की के सर पे बहुत जोर से बैग मारती है। उसने बोला कुछ और किया कुछ और। सुत्सुई के मुताबिक इशिनो एक अच्छी लड़की है क्योंकि उसने उस जैसे लड़के को समझा। बाद में इशिनो ने बताती है कि उसने ब्रेकअप कर लिया और वो बहुत जोर से रोना शुरू करती है। और तभी सुत्सुई अपना सामान उठाता है और सबको टेरेस पे लेके जाके स्वीट्स और केक खिलाता है। जब इशिनो सुत्सुई और इगाराशी के बीच का प्यार देखते तो जलस होने लगती है और रोती है। इगाराशी कहती है कि इशिनो को एक अच्छा लड़का जल्दी ही मिलेगा, जिसे सुन के इशिनो उसे गले लगा लेती है। अगले दिन सुत्सुई रेस्टोरेंट में बैठ के इगाराशी का इंतजार कर रहा था, जो कि एक्स्ट्रा क्लास की वजह से आने में लेट हो गई थी। और तब इगाराशी थोड़ी फ्रस्ट्रेट नजर आती है और सुत्सुई को उसे पढ़ाने को कहती है, जिसके लिए सुत्सुई राजी हो जाता है और मन ही मन उसके लड्डू फूटने लगते हैं। घर जाके वो दोनों साथ में पढ़ने बैठते हैं और सुत्सुई इगाराशी की मैथ्स में हेल्प करता है, लेकिन सुत्सुई थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड नजर आता है, इसलिए इगाराशी उससे पूछते कि वो क्या सही में उसे पढ़ाना चाहता है या नहीं। लेकिन सुत्सुई पढ़ाना तो चाहता है, लेकिन अगली बार वो चाहता है कि ईटो ईटो भी उनके साथ आए। और तब वो इगाराशी के साथ बैठता है, उसके गले लग जाता है, जिससे इगाराशी थोड़ी ऑकवर्ड फील करती है और उसके फेस पर मुस्कुराहट साफ दिखी जा सकती है। और तब सुत्सुई उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसकी मॉम और भाई पीछे से आकर दोबारा उन्हें डिस्टर्ब कर देते हैं और सारा मजा किरकिरा कर देते हैं। अगले दिन जब सुत्सुई कुछ पढ़ते हुए स्कूल जा रहा होता है तो स्कूल के कुछ दूसरे लड़कियों से ओटाकू कह के उसका मजाक उड़ाते हैं। सुत्सुई को उसके लॉकअप में एक लेटर मिलता है जिसमें उसे स्कूल के बाहर जिम के पास मिलने बुलाया है। इशिनो आती है और उसे लगता है कि ये एक लव लेटर, और इशिनो उसे चिढ़ाते हुए कहती है कि एक अच्छी गर्लफ्रेंड होने के बावजूद भी तुम उस लड़की से मिलने जाओगे क्या। लेकिन सुत्सुई को लग रहा था कि ये कोई लड़की नहीं है बल्कि ट्रैप है, और उसका सोचना सही निकला। उसे वहाँ पे टाकानाशी नाम के लड़के ने बुलाया था, जो सुत्सुई से जलता था क्योंकि वो और इगाराशी डेट कर रहे हैं, और वो इगाराशी को उससे छीनना चाहता है क्योंकि वो भी उसे लाइक करता है। और जब सुत्सुई मना करता है तो वो उसे कोने में घेर लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। जब टाकानाशी सुत्सुई का कॉलर पकड़ लेता है तो सुत्सुई कहता है कि तुम बहुत सुंदर हो, अच्छे दिखते हो, लेकिन मुझे तुम्हारे जैसे लड़कियों से नफरत है जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं। इसे सुनने के बाद सुत्सुई के मुंह पर पंच मार के उसे ढेर कर देता है और सुत्सुई अधमरों की तरह वहां पड़ा रहता है। उसके मुंह पर चोट लगी इसलिए मास्क से वो अपना मुंह ढक के स्कूल से जल्दी चला जाता है। और घर जाते वक्त उसके दिमाग में थॉट्स आते हैं कि कहीं वो टाकानाशी उसकी गर्लफ्रेंड को उसे छीन ना ले, क्योंकि वो बहुत हैंडसम दिखता तो वो हो सकता है कि इगाराशी उसके प्यार में पड़ जाए। वो छिपते छिपाते हुए एक पार्क में जाके बैठ जाता है और देखता है कि एक लड़की जिसका नाम अंजू है जोर जोर से बाहर रो रही है। उसे ना रोने को कहता है और उससे उसका एड्रेस पूछता, लेकिन अंजू अपने भाई को ढूंढ रही है और उसे उसके घर का एड्रेस नहीं पता है। और तब अंजू का भाई आ जाता है जो टाकानाशी है, और आते ही वो सुत्सुई का गला पकड़ता है क्योंकि उसे लगा कि वो उसकी बहन को परेशान कर रहा है। अंजू रोते हुए अपने भाई के गले लग जाती है और टाकानाशी अपनी बहन को सुत्सुई जैसे लॉलीकॉन से दूर रहने को कहता है, जिसे सुन के सुत्सुई का गुस्सा आता है क्योंकि वो तो सिर्फ उसकी बहन की हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। और तब टाकानाशी उसे चुप रहने को बोल के वहां से जाने लगता है। और जब सुत्सुई उससे पूछता कि वो अब इगाराशी के साथ क्या करने वाला है, जिसका वो सिंपल जवाब देता कि वो इगाराशी को पटा लेगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सुत्सुई के अकॉर्डिंग उसके पास लड़ने की ताकत तो नहीं है, लेकिन वो उसकी पिक्स को सोशल मीडिया पर शेयर करके उसे डिस्ट्रॉय तो जरूर करेगा। इसे सुन के टाकानाशी को गुस्सा आता है और वो अंजू को जोर जोर से चिल्लाने को कहता है कि उस टाइम पुलिस वहां से गुजर रही थी। और जब पुलिसमैन वहां आता है तो सुत्सुई को गिरफ्तार करके उसे घर वालों को भी बुला लेता है। फिर कुछ पूछताछ के बाद जब उन्हें सुत्सुई के अगेंस्ट कोई सबूत नहीं मिला तो उन्होंने उसे धमकी देके छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद वो स्कूल आता है तो सारे स्कूल के बच्चे उसे अलग नजर से देखने लगते हैं और उसे लॉलीकॉन कह के बुलाते हैं। उसका बहुत मजाक बनाया जाता है और बच्चे उससे दूर ही रहते हैं। इगाराशी क्लास में एंटर करती है और सुत्सुई के पास आती है।
लेकिन सुत्सुई उसे दूर रहने को कहता है क्योंकि सब लोग उसे लॉलीकॉन कह के बुला रहे हैं। अगर वो उसके साथ रहेगी तो उसकी भी रेपुटेशन खराब होगी। लेकिन इगाराशी को इन रूमर्स पर कुछ बिलीव नहीं होता और वो सुत्सुई को सपोर्ट करती है। उसे पूरा विश्वास है कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन सुत्सुई दुखी होकर वहां से चला जाता है और वो बाद में ईटो और सुत्सुई को बात करते हुए दिखाया जाता है। ईटो को भी उस पे विश्वास है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। लेकिन तभी इशिनो उसे बुरा भला बोल के वहां से चली जाती है। स्कूल के बाद सुत्सुई इगाराशी को मैसेज करके अलग अलग रास्ते से जाने को कहता है क्योंकि वो अकेला जाना चाहता है। टकानाशी वहां आके इगाराशी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन इगाराशी उससे मुंह भी नहीं लगाती और वहां से जाने लगती है। इगाराशी के अकॉर्डिंग उसका बॉयफ्रेंड सुत्सुई उसके लिए बहुत है और रूमर्स पर बिलीव नहीं करती। बाद में सुत्सुई का भाई कराओ जब ट्यूशन से बाहर जा रहा होता है तो अंजू वहां आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन कराओ बहुत निराश है क्योंकि उसे लगता है कि उसका भाई एक क्रिमिनल है और उसकी वजह से उसकी स्टडीज भी अफेक्ट हो रही हैं। सुत्सुई घर आता तो उसकी मॉम भी उससे नाराज है और सुत्सुई पर बिलीव नहीं करती कि वो निर्दोष है। सुत्सुई को अकेले अपने रूम में बैठना पड़ता है और वो नहीं कहता कि उसे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसे किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो चाहता है कि इगाराशी उसे डेट ना करे और कोई और हैंडसम सा लड़का ढूंढ ले क्योंकि वो अपने आप को उसके लायक नहीं समझता। लेकिन इगाराशी बहुत लविंग गर्लफ्रेंड है और वो उसे कहते कि जिस लड़के से वो प्यार करती है वो दुनिया में सबसे बेस्ट है और हमेशा से उसके साथ रहना चाहती है। इसे सुनके सुत्सुई को विश्वास नहीं होता कि उसकी इतनी प्यारी और सपोर्टिव गर्लफ्रेंड है। अगले दिन जब सुत्सुई स्कूल जाता तो दोबारा स्कूल का एक लड़का उससे स्कूल आने से मना करने लगता है लेकिन वो उसकी बातें सुन के अब हंसने लगता है क्योंकि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। बाद में दोबारा वो इगाराशी को साथ घर न चलने को बोल के चला जाता है और जब इगाराशी अकेले घर जाती है तो अंजू भागते हुए आती है और वो गिर जाती है। इगाराशी उसे हेल्प करती है और अंजू उससे पूछती है कि क्या वो स्कूल में पढ़ती है और उसके भाई टाकानाशी को जानती है। तभी टाकानाशी भागते हुए वहां आ जाता है और तब उसकी बहन उसे बताती है कि इगाराशी ने उसकी हेल्प की तो वो थैंक यू बोलने के लिए इगाराशी का हाथ पकड़ लेता है। लेकिन इगाराशी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और उसको हाथ छोड़ने को कह के चली जाती है। और तब अंजू अपने भाई को बताती है कि जिस लड़के को उसने पुलिस केस में फंसाया था वो कराओ का भाई है और वो इसकी वजह से खाना भी नहीं खा रहा है। अंजू कहती कि ये सब उन दोनों की गलती है क्योंकि टाकानाशी ने उस दिन उसे चिल्लाने के लिए कहा था और ये सब बातें इगाराशी सुन लेती है। इगाराशी को पता चल जाता है कि टाकानाशी ने सुत्सुई को फंसाया है और उस पर झूठा आरोप लगाया है जिसके बाद वो उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगती है। अंजू भी उसे सबसे सॉरी बोल के सबको सच बताने को कहती है लेकिन टाकानाशी सॉरी बोलना एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से भाग जाता है। इगाराशी फिर कुछ करने का सोचती है ताकि वो सुत्सुई को बेकसूर साबित कर सके। सुत्सुई फिर स्कूल के हॉल से गुजर रहा होता है और वहां उसे टाकानाशी मिलता है जो मिलते ही कहता है कि वो उसे सॉरी कभी नहीं बोलेगा लेकिन उसके सॉरी बोलने या ना बोलने से उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। और तब टाकानाशी के दोस्त वहां आ जाते और उससे पूछते कि वो सुत्सुई के साथ क्या कर रहा है और उसका दोस्त है क्या। और फिर टाकानाशी सुत्सुई को दोबारा लॉलीकॉन बोल के उसका मजाक उड़ाने लगता है। स्कूल की छुट्टी के बाद ईटो दोबारा सुत्सुई के साथ घर चलने को कहता है लेकिन सुत्सुई उसे मना कर देता है। और फिर इगुरुशी वहां आती है और कहती है कि ये अच्छी बात नहीं है कि तुम मेरे साथ नहीं बल्कि वो ईटो के साथ घर जा रहे हो। और फिर वो दोनों सुत्सुई के हाथों को पकड़ लेते हैं जिससे सुत्सुई ऐसा दोस्त गर्लफ्रेंड पाके काफी खुश नजर आता है। घर पर इगाराशी टाकानाशी को मजा चिखाने की बातें करती है और सुत्सुई से पूछती है कि उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया कि टाकानाशी ने उसे फंसाया है। लेकिन वो टाकानाशी के बारे में उससे शेयर नहीं करना चाहता था क्योंकि टाकानाशी इगाराशी को लाइक करता है और लास्ट टाइम इगाराशी ने एक लड़के को बैग से मारा था और उसे लगा कि वो इस टाइम भी वही करेगी। इगाराशी फिर सुत्सुई को गले लगा लेती है और उसे आई लव यू बोलती है और वो दोनों फिर किस करने लगते हैं। इतने में उसका भाई कराओ आ जाता है और उसे कहता है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद वो इतना शांति से कैसे बैठ सकता है। वो हमेशा अपना टाइम गेम खेलने और अनाइम देखने में बेकार करता है। वो लाइफ के लिए सीरियस कब होगा और कराओ बड़ा होकर सुत्सुई जैसा तो नहीं बनना चाहता। बाद में इगाराशी सुत्सुई की मॉम और उसके भाई से मिलती है। वो कराओ से अंजू के बारे में पूछ ही रही होती है तो उसे बाहर लेके आ जाता है क्योंकि उसकी मॉम कान लगा के उसकी बातें सुन रही थी। बाहर जाके इगाराशी उससे पूछती कि क्या वो अंजू को लाइक करता है जिस पर उसका जवाब होता है कि वो अच्छी लड़की लेकिन वो उसे लाइक नहीं करता। इगाराशी को लगता है कि कराओ बड़ा होके कूल लड़का बनना चाहता है इसलिए इगाराशी उसको बाय बोल के वहां से चली जाती है। अगले दिन सुत्सुई के लॉकर में किसी ने एक फूल वाला गमला रख दिया और टाकानाशी उसे अंडा फेंक के मारता जिस पर सुत्सुई कोई गुस्सा नहीं दिखाता।
टकानाशी के दोस्त दोबारा वहां आ जाते हैं और टकानाशी की टांग खींचने लगते हैं, जो चीज टकानाशी को पसंद नहीं आती, और वो उस लड़के का गला पकड़ लेता है। ये देख के सुत्सु इन दोनों को रुकने को कहता है और वहां से चला जाता है। सु स्कूल के बाहर बैठ के वो अंडा छील के खा ही रहा होता है जो उसे टकानाशी ने मारा था, और टकानाशी वहां आके उससे पूछता है कि आखिर उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो अग्रेसिव होके उससे क्यों नहीं कुछ बोलता। लेकिन सुत्सुई को लगता है कि टकानाशी अटेंशन पाने का भूखा है और वो उसे अटेंशन नहीं देना चाहता, और वो दोनों बातें करते हैं। और उसके बाद सुत्सुई वहां से उठ के जाने लगता है क्योंकि उसे उसकी माफी नहीं चाहिए। लेकिन तब उसे याद आता है कि वो उसके घर वालों को सॉरी बोल सकता है, इसलिए वो अंजू और टकानाशी को अपनी फैमिली के पास लेके आता है और वो वहां आके सारी बातें बताता है और सॉरी बोलते हैं। अब सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगता है।